करण जौहर ने मंच पर आते ही आखिरकार यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा से ऐसा कौन सा सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया कि आपको बता दें यहाँ पर ऐश्वर्या की तो बोलती ही बंद हो गई। जी हाँ, इस वीकेंड के वार पर सलमान खान का वार नहीं होने वाला है बल्कि होगा करण जौहर का वार, जिसमें करण जौहर सभी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती करते नजर आने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा सवाल ऐश्वर्या से पूछ लेंगे अंकिता और विकी के बारे में कि ऐश्वर्या के तो होश ही उड़ने वाले हैं, ऐश्वर्या की बोलती बंद होने वाली है और ऐश्वर्या को यहाँ पर करण जौहर लगाएंगे सबसे बड़ी फटकार। क्या है पूरी खबर, क्या कुछ आपको इस वीकेंड के वार पर देखने को मिलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि हम सब ने देखा कि बिग बॉस के घर के अंदर हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें यहाँ पर अंकिता भी नॉमिनेट है, विकी जैन भी नॉमिनेट है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अब जब बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा मौका विकी को दिया कि वो UK 07 राइडर की जगह किसी और कंटेस्टेंट को पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर सकता है, तो यहाँ पर विकी ने अपने सभी घर वालों से पूछा, जिसके बाद विकी ने नील भट्ट का नाम ले लिया। इसी को लेकर अब आपको बता दें कि करण जौहर ऐश्वर्या से सबसे बड़ा सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि जब विकी ने नील का नाम लिया तो ऐश्वर्या विकी को काफ़ी गालियां देती हुई नजर आई और कहने लगी कि विकी काफ़ी गंदी गेम खेलता है, वो पीठ पीछे छुरा मारता है, जिसको लेकर अब करण जौहर कहेंगे कि विकी ने तो अपने सभी घर वालों के आपसी सहमति के बाद नील का नाम लिया, बिग बॉस ने इतनी बड़ी उसको पावर दी थी, विकी ने तो पावर का इस्तेमाल किया है, कैसे वो गंदी गेम खेलता है, तुमने तो सबसे ज़्यादा गंदी गेम खेली, तुम तो उसे गालियां देती हुई नजर आई, ये बड़ी बात करण जौहर कहेंगे। ऐसे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करें। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।